हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है सबके? मैं हूं आपका दोस्त स्वप्निल और लेकर आया हूं आपके लिए करियर मोड सीरीज में एक और नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। मैच है आज उत्तर प्रदेश का मुंबई के साथ में, विच इज गोइंग टू बेट उत्तर प्रदेश पार्क। यूजुअल सब्सक्राइबर गोल आपको दिख रहा होगा, 119 सब्सक्राइबर्स हो चुके हमारे। 5 महीने का जो गोल रखा है हमने, 300 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने का गोल है। तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। 70% ऑफ द ऑडियंस जो है मेरे चैनल पे वो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे। तो भाई लोग क्या करें, क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों को फ्री है सब्सक्राइब बटन, तो प्रेस करो और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो के नीचे कमेंट किया करो, जितना भी हो सके उतना ज़्यादा कमेंट किया करो, पॉसिबल हो सके उतना कुछ अच्छा कमेंट करो। आप वीडियो को रेट कर सकते हो, आप स्टार्स दे सकते हो बैटिंग को, बॉलिंग को, मेरी आउट ऑफ 7 कितना परफॉर्मेंस का स्टार्स दोगे आप, उस हिसाब से एल्गोरिदम के लिए अच्छा होता है जितना भी आप वीडियो में नीचे कमेंट करते हो वो। और हमारे चैनल के लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट ला पाए हमारे चैनल पर, तो हमारा चैनल थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ेगा और लोगों को और मिलना शुरू होगा, तो अपने को सब्सक्राइबर चैनल पर और बढ़ेंगे। तो गाइस क्या कर रहे हो, फटाफट हर वीडियो के नीचे कमेंट किया करो, हो सके उतना ज्यादा कमेंट किया करो। सफवान डैनियल द टॉस लूजिंग बट द गेम विनिंग कैप्टन। उत्तर प्रदेश ने टॉस उछाला है और मुंबई ने किया है कॉल टेल्स। और टेल्स आया है, इज इट अ टर्न ऑफ अ फॉर्च्यून, इज इट अ टर्न ऑफ लक फॉर डैनियल। कट कर दिया है और सिंगल ही मिलेगा कट करके, पहले बॉल पे पहले रन जाते हुए यहाँ पर आज के। ओ भाई, अरे यार बच गया ये भाई, तो बहुत मारने को देख रहा है जो विकेट की दरकार, विकेट का इंतजार और बोल, विकेट की दरकार भी थी, विकेट का इंतजार भी थी और हमने वो डिलीवर किया है। इस तरीके से स्लोवर डिलीवरी डाली इनसाइड एज और ऑफ स्टंप का टकला उड़ाते हुए। फाइनली वी आर रेडी टू गो। दूसरा बॉल एंड दूसरा ओवर का पहला बॉल और सिंगल आते हुए। मैं थोड़ा सीम अप बॉल्स डालने की ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, स्विंग नहीं करवा रहा हूँ भाई। राइटी क्यों आते हैं सब, मेरे को एक लेफ्टी भी आ जाए कभी तो भी मजा आ जाए थोड़ा बॉलिंग करने को। एच, अरे यार कोई नहीं था एच पकड़ने को कैच भाई, यार किस्मत ही खराब है मेरी, जब जब एज लगता है कोई नहीं रहता फील्डर। तो एक डॉट बॉल तो आया एटलीस्ट इस ओवर में, पूरा ओवर में सिंगल्स नहीं गए खाली। कैच इट, इज इट आउट और आउट, दूसरी विकेट दूसरे ओवर में। क्या चल रहा है भाई, दूसरा सेट बैट्समैन को आउट करते हुए, गजब बॉलिंग परफॉर्मेंस बोलते इसको। अब ये जब वीडियो सामने आएगा ना तब बहुत मजा आने वाला है मेरे को रिएक्शन देखने को, कि क्या रिएक्शन मिलने वाला है मेरे ऑडियंस से इस वीडियो में, इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या रेटिंग मिलती है, मैं देखने के लिए उत्सुक रहूंगा। दोनों ओवर और दोनों ओवर में 2 विकेट निकाल के हम लोगों ने बैकफुट पर डाल दिया है पूरा टीम को, और अब हम तीसरे ओवर के लिए भी आ चुके हैं। 2 ओवर 7 रन और 2 विकेट। फिर एज, ओ यार बच गया। मुझे क्या हमें इस ओवर में भी 1 विकेट मिलेगी, गजब रिवॉल्यूशन हो जाएगा अगर ये मिल गई विकेट तो। नहीं मिली, कोई बात नहीं, चलो बाउंड्री मत जाने देना खाली, चली गई बाउंड्री भी, कोई नहीं है वहां पर। 5 रन आई इस ओवर से भी। अब ये ट्राई करेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा ऑफ साइड पर खेल पाए, लेकिन मैं ट्राई करूंगा उसको ज्यादा से ज्यादा लेग्स बोल्डिंग। इसी चीज की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर। चौथे ओवर में 3rd विकेट मिलते हैं और मिडल स्टंप का डंडा बाहर, मिडल स्टंप बाहर, ओपी बोलते हैं बॉलिंग यहाँ पर। अनिल नागी जो स्ट्रगल कर ही रहे थे हमारी बॉलिंग में बैटिंग करने के लिए, और उनके लिए एक प्रेशर के लिए डाल दिया हमने आगे प्लेयर और प्रेशर में चले गए बाहर। प्रेशर गॉट बिग ऑन अनिल नागी एंड ही इज गॉन। हमसे प्रेरणा लेकर के सूरी ने भी 1 विकेट निकाल ली। ओए भाई गजब बॉलिंग हो रही है आज तो, बड़ा ही मजेदार बॉलिंग हो रहा है।
बॉलिंग बॉय और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बाउंड्री मिलते हुए काफी अच्छा शॉट। ओ भाई कैसे मिस हो गया यार ये। बॉलिंग ब्रो एक्सीलेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस इज गोइंग ऑन राइट नाउ। बड़ी मजेदार बॉलिंग हो रही है यहाँ पर, मजा आ रहा है बॉलिंग करने को बहुत ज्यादा। एक और विकेट मिल जाए तो सोने पे सुहागा। कैच इट और मिलते हुए एक और विकेट यहाँ पर। इसके लिए यहाँ पर फील्डर को रखा था मैंने कि अगर मिस होता है यहाँ पर मिस टाइम जरा सा भी शॉट तो हमको विकेट मिल जाएगी। हमें मिलते हुए चौथी विकेट जहां 61 फॉर नो लॉस थी यहाँ पर टीम। इसको ट्राई करते हैं थोड़ा इन स्विंगिंग और कर डालने, स्टंप पे फिनिश हो तो अच्छा होएगा। स्टंप पे फिनिश भी और जस्ट शॉट यार, जस्ट शॉट ऑफ दैट फील्डर। बॉलिंग भाई ये तो हमेशा ही डिफेंड में मौज हो जाती है इनकी इस बॉल पे। वो तो बैट्समैन था ही लेकिन ये भी बैट्समैन निकला, मुझे लगा ये बॉलर होगा। कैच और एक्सीलेंट कैच के साथ 5-4। और एक और प्लेयर जिसने 81 रन मारे थे गाइस, हमने तो आज मौज करवा दिए सब सेट बैट्समैन की। कैच इट और छठा विकेट मिला है। ओ भाई एम आई ना ड्रीम पिंच करो यार कोई। नहीं मैं ड्रीम में नहीं हूं दोस्त, मैं जरा भी ड्रीम में नहीं हूं, दिस इज अ रियलिटी। सिक्स्थ विकेट ऑन द ट्रॉट इन दिस मैच। आई कैन नॉट बिलीव माई आईज, आई कैन नॉट बिलीव वॉट वॉट काइंड ऑफ बॉलिंग आई हैव डन मैन। बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है मुझे। कैच इट, सातवा आ रहा है क्या कैच? अरे अच्छा सो जा भाई। क्या इस ओवर में आई एम टेकिंग डेम्सीज विकेट बिकॉज वो थोड़ा डेंजरस भी लग रहा है। ए जी यार आई नीड योर विकेट ब्रो। कैच इट वे यार बज गया। आई वॉन्ट यू ब्रो, आई वॉन्ट यू, आई एम गोइंग टू टेक यू एनी हाउ। नहीं दे रहा है साला विकेट मेरे को ये भिखारी, उल्टा मेरे को खोद के निकाल रहा है, मार रहा है, फेल दिया मेरे को, 10 रन मार दिया। 9 ओवर 6 फॉर 40, दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। चलिए अब बैटिंग करते, इतनी एक्साइटमेंट है जितनी बॉलिंग में थी। तो ये सोच रहा था मैं कि हम लोग, मैं इतने देर से म्यूट पे बात कर रहा था पागल जैसा, तो मैं ये सोच रहा था कि हम लोग एक शॉर्ट वीडियो का हाईलाइट रील बनाएंगे। एक जिस तरीके से करियर मोड के एपिसोड्स हैं हमारे, अब तक 51 के 52 एपिसोड्स जो भी हो चुके हैं, हर एक एपिसोड में से जितना हम लोग ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था बॉलिंग में, विकेट्स जितने लिए थे, उनका एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, छोटा सा शॉर्ट वीडियोस का प्लेलिस्ट, जो हर शॉर्ट वीडियो हर एक दिन में डालने का सोच रहा हूँ अभी। तो इस तरीके का कुछ प्लान किया है मैंने, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं क्या, बिकॉज ये कुछ नया हो जाएगा हमारे चैनल के लिए कंटेंट। जनरली हमने देखा शॉर्ट वीडियोस में लोग सिर्फ कुछ कुछ हाईलाइट्स डालते हैं, कुछ विकेट्स का डालते हैं, कुछ अच्छा यूनिक दिखेगा वैसा कुछ डालते हैं, लेकिन हम मैं सोच रहा हूँ हमारे चैनल पे हम लोग ऐसा डालेंगे कि इसमें अब तक हम लोग जो जर्नी पूरा लिए है, मतलब जो जर्नी हम लोग ने किया है यहाँ पर, उस जर्नी में हम लोग ने कितने विकेट्स निकाले, कैसे विकेट्स निकाले, उस सब का एक हाईलाइट बनाए और शॉर्ट्स की फॉर्म में वो हाईलाइट्स डाले हम लोग। तो आप लोग बताइए किस तरीके से कि हम लोग वो करना चाहिए या नहीं। उसी तरीके से विकेट्स के जैसे हम लोग माइलस्टोन जो भी पहुंचे हुए हैं, जब तक सेंचुरीज मारी है हम लोग ने, या हाफ सेंचुरीज मारी है, किसी एपिसोड में सेंचुरी मारी है, किसी में हाफ सेंचुरी मारी है, तो वो हाईलाइट जो फाइनली हम लोग का दिखता है हाईलाइट की तरीके से, कि जो लास्ट शॉट हम लोग ने मारा था 50 कंप्लीट करने के लिए वो कैसा था, 50 का, वो भी हम लोग डाल सकते हैं, ऐसा कुछ मैंने सोच के रखा है अभी शॉर्ट्स में। तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ये आइडिया मेरा, क्या हम लोग वो आइडिया इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं शॉर्ट्स में डालने के लिए, तो कैसे शॉर्ट्स में रीच भी ज़्यादा मिलती है चैनल पे। मैंने उस सीरीज का ऑलरेडी आगाज कर दिया है, वैसे तो मैंने फर्स्ट वीडियो आज डाला है, शॉर्ट वीडियो फर्स्ट,
एक वीडियो कल आएगा, एक शॉर्ट वीडियो मतलब कल आएगा उस सीरीज में, और उस सीरीज को मैंने नाम दिया है नॉस्टैल्जिया री लिविंग द क्रिकेट 22 करियर मोड मोमेंट्स। तो आप लोग बताइए कैसा लगा ये आइडिया, क्या हम ये आइडिया को कंटिन्यू कर सकते हैं आगे? तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस के साथ साथ में वो एक शॉर्ट वीडियो डेली भी लेके आऊंगा हर एक वीडियोस के साथ में। क्या आइडिया कैसा लगा आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपका रिस्पांस सही आया इस आइडिया पे तो मैं आगे उस आइडिया को कंटिन्यू करूंगा, या फिर हम ड्रॉप कर देंगे जैसे कि हम लोग पहले करते आए थे शॉर्ट वीडियोस में। हम लोग रिसेंट एपिसोड्स का ही सिर्फ डालते हैं, उसी तरीके से मैं डालते रहूंगा रिसेंट एपिसोड्स का वीडियोस में, शॉर्ट वीडियोस में, विकेट्स वगैरह। तो आप बताइए ये आइडिया कैसा लगा नॉस्टैल्जिया सीरीज बनाने के, नॉस्टैल्जिया का प्लेलिस्ट बनाने के लिए। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो हम कंटिन्यू करेंगे, या फिर मैं जो नॉर्मली करते रहे, और इस बीच पूल में डाइव और बाउंड्री पे बॉल डाइव मार के चला गया, और उसी के साथ एक और हाफ सेंचुरी पूरी करते हुए हम लोग 27 बॉल में 51 रन। सिंगल के साथ ओवर को समाप्त करेंगे 20 ओवर के बाद 126 पर 261 का जो, और ये देखिए वी में खेलते हुए पूरी तरीके से, मोस्टली वी में शॉर्ट्स है क्योंकि लाइन एंड लेंथ भी वैसे ही डाली गई है मुझे कि मैं वहीं पे खेल पाऊँ। वाइड बॉल, अबे अंपायर गधे, ढक्कन इंसान, सर के ऊपर से बॉल जा रहा है फिर भी वाइड नहीं दे रहा यार। अच्छा यार देखिए लाइन है लेंथ ही वो डाल दे कि कवर ड्राइव ही मार, और कोई शॉट मारने ही नहीं देते मेरे को, पूरा खिसक के खेलना पड़ता है लेग साइड पे। तो क्या करूं मैं समझता नहीं है, पहले ऑफ साइड पे खेल नहीं पाता था, अभी ऑफ साइड पे खेलना स्टार्ट जो किया है तो मैं लेग साइड पे नहीं खेल पाता। ये लेग साइड पे खेलने वाला बॉल था लेकिन मैं पहले ही एंगल देके बैठ गया था ऑफ साइड पर। बहुत मुश्किल से ये लाइन बॉलिंग करते हैं ये लोग। ये फिर आ गया ऑफ साइड पे, एज लगी और सिंगल मिला, उसी एज के साथ में भाग ले, ये उठेगा तब तक तो दूसरा आ जाएगा इजीली। पूल में डाइव मारने की आदत की वजह से 1 का 2 हो गया। आखिरी 2 बॉल बचे, 100 ओवर से 6 रन आ चुके अब तक, और उठा के मार दिया। क्या ये 6 जाएगा? नहीं, इवन दो आइडियल टाइमिंग है लेकिन पावर उतना ठीक से नहीं बैठा है। चलो आखिरी बॉल आ रहा है, 10 रन आ चुके अब तक 30 ओवर से। अरे हम जाएंगे सिंगल के लिए और पहुंच जाएंगे 21 ओवर्स के बाद 137 for 2, 11 रन आए इस ओवर से। अब मजा आएगा ना भिड़ू, लेग साइड से बॉलिंग करने आ गया। तो क्या मजा आया, सिंगल लेके निकल लिया ऑफ स्ट्राइक, मेन मजा तो बिगड़ गया पूरा। अब पूरा ओवर खा लेगा ये, नहीं खाया, चलो ठीक है ये भी अच्छा है, नहीं खाया ओवर। क्या ये क्या शॉट खेलता है बे यार, छोड़ो 64 पे आउट। जीत रहे कि हार रहे? अरे जीत गए, बहुत बढ़िया, 4 विकेट से जीते, और हो सकता है और 64 रन, 6 विकेट। मैच होने वाला है नागालैंड ओवल पे, नागालैंड वर्सेस मुंबई। मैं ढूंढ क्या आऊंगा ये नेक्स्ट मैच के लिए, नागालैंड में कोई आसपास में उनका कोई क्रिकेट स्टेडियम है कि नहीं नागालैंड के वहां पे, अगर रहेगा हमारे क्रिकेट 22 में वो स्टेडियम तो हम लोग वो स्टेडियम डाउनलोड करके फिर नागालैंड को के होम ग्राउंड पे खिलवाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।